रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें बढ़ती जाने वाली हैं। रिया की एक और ऐसी व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है जो उनके तमाम दावों को, उनके बयान को झूठा साबित करती है। रिया ने बार बार ये कहा कि उन्होंने ड्रग कंज्यूम नहीं किया है, ड्रग प्रोक्योर किया है, सुशांत के लिए ड्रग लाया है। वो खुद ड्रग नहीं करती थी, इसी बात का उन्होंने हवाला दिया। वीडियो आपने देखा जहाँ वो स्मोक करती नज़र आई थी, सिगरेट शेयर करती हुई नज़र आई थी। अब उनकी चैट, कल तीन नामों का खुलासा किया उन्होंने, सारा, रकुलप्रीत और सिमोन, कल बाहर आई है नाम, 25 नामों का खुलासा किया है। उनमें से एक शख्स के साथ उनकी चैट हुई थी जहां वो प्रॉपरली ड्रग कैसा था, क्वालिटी कैसी थी, कहां जाना चाहिए, कहां मज़ा आता है, इन तमाम बारों के बारे में बात कर रही थी। मैं आपको बताती हूँ सॉरी और अभी आपको बताती हूँ क्या है वो चैट्स। वो चैट्स एक शहर को लेकर के है, एक ड्रग को लेकर के है, एक एक्ट्रेस के साथ है। चैट है सिमोन खंबाटा के साथ, जहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पर रिया पहले उनसे पूछती है, चिम आर यू बैक, चिम ऐसे बुलाने के लिए प्यार वाला, सिमोन को चिम नाम दिया है उन्होंने, CHIM। तो उसके बाद सिमोन जवाब देती हैं यस या। उसके बाद वो एक ऑडियो फाइल भेजती हैं, उसके बाद वो जवाब देती हैं यस यू श्योर, यस फॉर श्योर। रिया कहती हैं ड्यूड भुवनेश्वर इज़ द सीन। पहले बात करते हैं फिर मैं आपसे, उसके बाद वो कहती है पूछती है सिमोन रिया से पूछती है ये भुवनेश्वर इज़ द सीन, कहती हैं रिया। फिर सिमोन पूछती हैं आर यू इन भुवनेश्वर, तो वो कहती हैं यस, यानी बेस्ट वीड एवर। तो वो एक दोस्त का दोस्त को मैसेज था जहाँ उन्होंने, वो भुवनेश्वर में रिया थी और रिया को डेफिनेटली इस तरह के चैट का मतलब है ये दोनों साथ में वीड एंजॉय कर चुके हैं, और उसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है कि रिया ने कोई अच्छी क्वालिटी का ड्रग कंज्यूम किया वीड, और वो अपनी दोस्त को बता रही हैं कि बेस्ट वीड एवर, ऐसा वीड पहले कभी नहीं यूज़ किया। हालांकि ये 2017 की चैट्स हैं, टाइम इससे मेंशन नहीं है, टाइम नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्रॉप कर दिया है। क्लियर कट रिया ने वीड कंज्यूम किया है और उसके बाद सिमोन को बताया है कि मैंने बेस्ट वीड अब तक का पिया है या लिया है, जो भी वॉट एवर। और सिमोन इज़ भुवनेश्वर इज़ द सीन, यानी भुवनेश्वर में सब बहुत अच्छा है, अब गाज भुवनेश्वर तक भी पहुँच सकती है। ये कहने का मतलब कि भुवनेश्वर में इट इज़ द सीन, यानी यहाँ पर सब माहौल, क्या इसका मतलब ये है या फिर रिया अपने आप कैरी कर रही थी, मैं नहीं जानती। मगर ये ड्रग चार्ट जो है रिया को बेल नहीं दिलवाएगा, क्योंकि जिस रिया ने बार बार ये कहा है कि वो नहीं ड्रग कंज्यूम करती थी, वही रिया बार बार ड्रग चैट्स में फंस रही हैं, नए नए लोगों के साथ नई नई चैट्स उनकी आउट हो रही हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? तीन बॉलीवुड स्टार्स का नाम लिया उन्होंने, सारा अली खान, रकुलप्रीत और सिमोन खंबाटा। सिमोन खंबाटा के साथ उनकी चैट्स आउट हो गई, इंतज़ार है रकुल और सारा अली खान के साथ भी उनकी चैट्स आएंगी बाहर, हम लेकर आएंगे आपके लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सरिता।